मतलब मर्डर केस है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक यार मतलब मैंने भी ना। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। मैं फनर फ्लैटर फिर से आ चुका हूँ एक और गेम की वीडियो लेकर। तो गाइस ये जो गेम है ना, ये एक हॉरर टाइप की गेम है, यानी कि हॉरर है, ठीक है, थोड़ी बहुत हॉरर है लेकिन हॉरर है गाइस। मैं ऐसे रात में खेल रहा हूँ। और गाइस इस गेम के अंदर ना मतलब बहुत सारी पहेलियाँ आती है, जिसे मतलब पजल टाइप की गेम है और काफ़ी सस्पेंस वाली गेम है। लेकिन ये जो गेम है ये रस्टी लेक वालों की है और ये क्यूब इसके पैराडॉक्स की सीरीज है, यानी कि रियल बेस्ड स्टोरी गेम है गाइस। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक है ना डेल वंडर में जासूस कह सकते हैं, एक जासूस एक अपने ही माइंड के अंदर कैद होता है। उसे पूरा एक्सप्लोरेशन करने के लिए, आगे जाने के लिए बहुत सारे पजल्स पहेलियाँ जो हम कह सकते हैं इसे सॉल्व करनी पड़ती है। बाकी तो मुझे पता नहीं, इसके अंदर एक लेडी भी होती है जो उसके जो सुसाइड केस होता है या मर्डर केस, इसका मुझे नहीं पता। लेकिन गेम खेल के हम जानेंगे गाइस इसके अंदर क्या इसकी स्टोरी है और इस गेम की एंडिंग कैसे होगी, ये तो उसे पूरा खेलने के बाद ही पता चलेगा अपन को। तो चलते हैं इस गेम के अंदर और देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली गाइज मैं यहाँ पे गेम को स्टार्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे रस्टी लेक लिखा हुआ आता है और एक बंदा है जो कि काफ़ी शांत जगह पे एकदम चला रहा है बोट को। तो मैं यहाँ पे आगे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आता है क्यूब इसके पैराडॉक्स, जो कि एक की सीरीज है रस्टी लेक वालों की। और गाइज इनका सॉन्ग सुन रहे हो आप, यार क्या ही सस्पेंस वाला सॉन्ग है। तो आगे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मुझे दो चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अपन चैप्टर वन ही करने वाले हैं, तो चैप्टर वन के अंदर अपन एंट्री करेंगे और देखते हैं गाइस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये रस्टी लेक एक कनाडा में झील है जो कि एग्जिस्ट करती है कनाडा के अंदर। तो यहाँ पर ये बनता है एक डेल वंडरमेयर जो कि रूम के अंदर कैद होता है और इसे काफ़ी सारी पजल सॉल्व करनी होती है एक लेडी के लिए, जो सुसाइड है या मर्डर ये मुझे नहीं पता इतना अच्छे से। लेकिन ये बंदा इसको यहाँ से निकालना है, इस बंदे को मैं तो इतना जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लिखा हुआ आ रहा है यूज़ एरो टू मूव अराउंड। मुझे यहाँ पे लेफ्ट और राइट देखने के लिए एरोज का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मुझे यहाँ पे ब्लैक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो गाइज़ यहाँ पर एक काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, जैसे कि वो 12 सिंगा और फोटो, और यहाँ पर एक डोर है, शायद पूरे रूम में एक यही एक डोर है जिससे मैं बाहर जा पाऊँगा। तो यहाँ पर एक मैं देख लेता हूँ, तो इससे तो यही मुझे कंफर्म होता है कि मैं एक रूम के अंदर हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर एक ये पता नहीं क्या है, अजीब सी चीज़ है गोल गोल, और यहाँ पे दो कटोरे हैं इसके राइट साइड, क्या पता शायद लाइट्स होंगी गाइस, ये अजीब है काफ़ी। तो यहाँ पे 12 सिंगा है भाई साहब, क्या ही खतरनाक लग रहा है देखने में, कहीं इसके अंदर से कुछ निकल के ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है। और रात तो वैसे ही हो रही है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं ये देखता हूँ भाई, ये लाल पर्दा क्या है, इस लाल पर्दे के पीछे तोते भाई साहब बैठे हैं, छुपा के रखा हुआ है तोते को। कोई बात नहीं बेटा, बैठो आप इधर ही, इसे बंद नहीं, इसे खुला छोड़ देते हैं, हवा आती रहेगी, जा बेटा मौज कर, ठीक है। और यहाँ पर एक मिरर है, और भाई ये बंदा कौन है। अच्छा गाइस ये जो बंदा है ना, ये मेरा करेक्टर है, ठीक है, मैं अभी इस गेम के अंदर ऐसा दिखता हूँ, तो ठीक है। वैसे मिरर का क्या ही काम होगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक छोटा बॉक्स है जिसके ऊपर भी कुछ बॉक्स रखे हुए हैं, लेकिन ये नीचे वाला बॉक्स खुल नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाले गाइस, ओ गाइस यहाँ पे मुझे ना एक चाबी मिल चुकी है, ठीक है, जो कि गोल्डन कलर की चाबी है, लेकिन ये चाबी लगी कहाँ पर, अब मुझे ये देखना है। और यहाँ पे एक सेकंड वाला बॉक्स भी है जिसके ऊपर मिस्र की लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है भाई, इसे खोलने के लिए कुछ अलग ही तिगड़म लगाना पड़ेगा, इसे बाद में देखते हैं। लेकिन पहले अपने पास गाइस ये देखना है कि जो मुझे चाबी मिली है वो लगेगी कहाँ पर। तो यहाँ पर तो क्या ही लग सकती है भाई, ये तो कुछ अलग ही काम आता है, यहाँ पर तो नहीं लगने वाली चाबी, ठीक है। अब बाकी जगह मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे एक लाल कलर का सोफ़ा है, इसमें भी कुछ लाल कलर सोफे में कहाँ ताला वाला होता है, मैं भी ना ओके। तो गाइस यहाँ पे चाबी लग सकती है, लेकिन ये भी लॉक हो रखा है, इसका मतलब ये इसकी चाबी नहीं है। तो यहाँ पर एक टेलीफोन भी है जो कि काफ़ी पुराने ज़माने का है, और ये मुझे यूज़ करने नहीं आता, बस इतना पता है कि इसे ऐसे करके घुमाना पड़ता है। गाइस काफ़ी एंटिक पीस यहाँ पर रखे हुए हैं। खैर अपन को तो ये चाबी देखनी है भाई, ये लगी कहाँ पर, जो अपन को की मिली है। ओ गाइस यहाँ पर एक सिगार भी पड़ी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटो का फ्रेम है जिसके ऊपर फ़ोटो का एक पीस है। तो देखते हैं भाई, अभी यहाँ पर भी मुझे कुछ मिला नहीं, ये ताला वाला कहाँ मिलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा भाई मेरे को। तो यहाँ पर एक फ़ोटो है, यहाँ पर इसके अगल बगल कटोरे रखे हुए हैं। यार ये क्या मतलब, अगर ये लाइट्स हैं तो ढंग से लाइट्स इनको बना दे देना, क्या ही अजीब सी। खैर भाई अपन को यहाँ पे एक फ़ोटो का पीस मिल चुका है इस पिक्चर के ऊपर। भाई ये पिक्चर कितनी अजीब, कौवा भाई साहब यहाँ बैठे हैं, वो काला मुँह करवा के उधर बैठा हुआ है भाई। लेकिन यहाँ पर अपन को एक फ़ोटो का पीस मिला है, तो इसका मतलब समझे कुछ,
इसका मतलब ये है कि जो वो फोटो का फ्रेम अपन ने देखा था ना, उसको अपन को कंप्लीट करना है पूरा। तो अभी मुझे चाबी लगानी है, तो मुझे एक क्रू मिलेगा, और फिर फोटो का पीस पूरा कंप्लीट करना है, तब एक क्रू मिलेगा। यानी कि दो दो चीज़ें अपन को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है गाइज, अभी अपन को यहाँ पे एक जैकेट मिल चुकी है, और गाइज यहाँ पे एक टाइप राइटर भी रखा हुआ है, मतलब इसके अंदर हम टाइप भी कर सकते हैं। वाह, इतना सस्पेंस, इतना डीपली वाली गेम मैंने देखी नहीं भाई साहब। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, मैं इसे सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं, देखते हैं इसे मैं सॉल्व कर पाता हूँ। भाई साहब ये यहाँ पे लॉक हो रखा है, अगर ये खुला होता मैं बाहर जाके देख सकता था। ठीक है गाइस, वीडियो को पूरी एंड तक देखना, देखते हैं भाई बंदे की कहानी क्या है। वैसे तो इसकी एक मूवी है पर्टिकुलर, लेकिन लेकिन मैं चाहता हूँ कि गेम के ज़रिए आपको पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे टीवी है, ये चल नहीं रहा भाई, चल क्यों नहीं रहा, लाइट्स तो आ रही हैं। और हाँ, मेरे पास ये फ़ोटो का पीस है ना, तो ये दूसरे वाले बॉक्स में क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसे एक बार खोल के देखते हैं गाइस अपन। लेकिन उससे पहले मुझे ये पता चले कि ये चाबी लगेगी कहाँ पे, तोते के अंदर कह रहा हूँ, पिंजरे में भी कोई लॉक नहीं लगा हुआ, और यहाँ पर बार बार आने से थोड़ा ना यहाँ पर लॉक मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर तो है ही नहीं गाइस, यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये खुल जाए लॉक। ये तो लॉक हो रखे हैं गाइस, दोनों के दोनों बॉक्स लॉक हो रखे हैं। तो एक मिनट, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर मुझे मिल गया, ये फाइनली लग चुका है। ओ भाई साहब ये क्या चीज़ है, वुडन क्यूब। ठीक है, ऊपर वाले तो लॉक होंगे शायद वहाँ पर, ओ नहीं नहीं लॉक नहीं है गाइस, यहाँ पर मुझे सामान मिल रहा है, एक पेंसिल मिल चुकी है, एक और फोटो का पीस, और एक सीजर। यार इतने सारे सामान मिल गए मेरे को, और अभी एक भी मैंने फिट नहीं किया कहीं पर भी। भाई इतने सारे सामान का दिमाग लगा के मुझे फिट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट वाले क्लू मिलेंगे, तब जाके मैं गेम के अंदर आगे बढ़ पाऊंगा। खैर अभी देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या होता है, मैं फोटो को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे यहाँ पे अभी दो पीस तो मिल चुके हैं, लेकिन बाकी के पीस कहाँ मिलेंगे ये मुझे नहीं पता। तो एक इसका हाथ है शायद, इसे हम यहाँ पर लगा देंगे, और भाई ये बंदा शायद कोई दूसरा, यानी कि इस फोटो के अंदर दो बंदे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर सेट नहीं हुआ, इसे नीचे करके सेट करना पड़ेगा, ये ऊपर नहीं लगने वाला, नीचे लगेगा। पास में खड़ा है एकदम, होगा गाइस कोई खास होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन भाई, ये राख तो वही है। ठीक है, इस सीजर को उठा के यहाँ पे ले आते हैं। तो भाई साहब ये फोटो को अपन को कंप्लीट करना है, और भाई यहाँ पे ये रस्टी लेक फिशिंग, तो जैसे कि मैंने कहा था कि कनाडा में है झील एग्जिस्ट करती है, तो भाई इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर और भी कुछ लिखा हुआ है गाइस। क्या लिखा हुआ है इसके पीछे, लास्ट में लिखा हुआ है नॉट द ब्लू वाइल्ड डी, इसका मतलब क्या हो सकता है गाइस? अब या तो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो आगे देखते हैं गाइस। यहाँ पर इनका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये फोटो के अगल बगल क्या ये रखे हुए इन्होंने। तो भाई साहब, तो भाइयों यहाँ पर तो मैंने देख लिया, मुझे चाबी का ताला तो मिल गया, फोटो के पीस और नहीं मिल रहे मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सीजर से मैं वो ये क्यों मेरे पास आया भाई, मैंने यहाँ पर कैंची पे टच कर रखा था, और ये पत्ता कट के मेरे पास आ गया भाई। यहाँ से बाहर भी देख सकता हूँ क्या मैं? वाह, वो गाइस वो है वो लेडी जिसका मुझे, जो इसके साथ मतलब इसका कनेक्शन है कोई, अब बाकी तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। वो देखो भाई, यार ये क्या चीज़ है, गायब हो गया अब तो यार वो, अब तो भाई कोई भी नहीं दिख रहा, एकदम कोहरा छाया हुआ है बाहर एकदम। भाई साहब, भाई देखो वो फिर से आ गया यार, क्या ही घूर घूर के देख रहे हैं यहाँ पे, वो रेक वाला मॉन्स्टर नहीं होता, सेम वैसा लग रहा भाई साहब। अभी मैं बिल्कुल अकेला यहाँ बैठ के गेम खेल रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी बात है ये डोर लॉक है भाई साहब। मैं तो बाहर नहीं जाने वाला, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अपन को सॉल्व जो करना है। यहाँ पर ये प्लग निकला हुआ था, तो दोनों प्लग लगाने पड़ेंगे शायद, तब जाके कुछ टीवी का प्लग लग रहा है मेरे को, हाँ तब जाके टीवी चलेगा। लेकिन उसको जोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे टेप चाहिए, और क्या पता टेप इसके अंदर अपन को मिल जाए। तो इसके अंदर इसको अपन, इस पज़ल को अपन सॉल्व करते हैं, और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर अपन को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो भाई नीचे वाले काफ़ी आसान है सॉल्व करना, इसको मैं सेंटर में लेके जाके यहाँ पे कर देता हूँ। अब बारी है ऊपर की, तो ऊपर के लिए मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ, और ये मुझे यहाँ पे चाहिए। लेकिन उससे पहले जो एस हमको दिख रहा है ना, उसको भी वहाँ पे ले आना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों इधर आएंगे और वो दोनों उधर जाएंगे। ठीक है गाइस, मैं इसे एक बार करने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप मेरे साथ ध्यान लगाओ। ठीक है, इसे यहाँ पे लेके आते हैं, और बस होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे जल्दी कर दूँगा।
हो जाएगा, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा ये यहाँ पर कैसे आएगा। ठीक है, एक बार इसे यहाँ पे करके देखते हैं, हो जाएगा यहाँ से, नहीं इसे इधर लेके आना पड़ेगा। अरे ये तो वापस उल्टा पड़ गया, नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सीधा हो रहा है। उस एस को मुझे वहाँ लेके जाना है ना, तो यार मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ? मुझे इसको यहाँ पे करना है, इसको यहाँ पे लेके आते हैं और उस वाले को नीचे लेके, लेकिन यार फिर आगे नहीं जा पाएगा, मतलब किसी एक को पीछे से हटाना पड़ेगा ताकि जगह बने। ओके गाइस, हमारा एक तो फिट हो चुका है ऊपर, अब ये तिकोने वाले आइसक्रीम टाइप को जो हमें दिख रहा है आइसक्रीम, इसे यहाँ पे फिट करना है। तो उसे फिट करने के लिए इसे नीचे करना पड़ेगा, फिर इसे ऊपर भेजना पड़ेगा। नहीं नहीं थोड़ा सा हाँ हो गया, ठीक गाइस। चलो गाइस, यहाँ पर ये अपनी पजल सॉल्व हो चुकी है फाइनली गाइस, और अब देखते हैं लेकिन ये बॉक्स खुला क्यों नहीं। ओ भाई साहब, मैंने आपको सॉल्व किया है। हेलो ब्रदर, कुछ तो दो मेरे को यार, ये खुल क्यों नहीं रहा? मैंने इससे इतना दिमाग लगा के सॉल्व किया, इसे स्कैम स्कैम हुआ है मेरे साथ। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। नहीं खुल गया, सॉरी। इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो नोट करने वाला है? फोटो पीस गाइस, यहाँ पर अपने को एक और फोटो पीस मिल चुका है, तो इसका मतलब अभी जब चलते हैं फटाफट से और देखते हैं भाई साहब वहाँ पे क्या होने वाला है, और देखते हैं गाइस वहाँ पे क्या अपन को मिलेगा, और यहाँ पे अपन इस फोटो को लगा देते हैं। तो यार अभी तो मुझे और भी फोटो के पीस लाने पड़ेंगे, और ये तो शायद मेरा ही कैरेक्टर है जो कि इसके अंदर कलरफुल होकर दिखा रखा है, क्योंकि इसकी भी बियर्ड है, मेरी बियर्ड है, और मतलब मेरे कैरेक्टर की बियर्ड है, और शीशे में इससे इसकी शक्ल मैच हो रही थी मिरर के अंदर जब मैंने इसे देखा था। तो यार ये तो लॉक्ड है, ये तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहे, पता नहीं गाइस इनकी चाबी कहाँ ही मिलने वाली है अपन को। और भाई अभी तो इतनी सारी अलमारी यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन ये खटके से क्या रखे हुए यहाँ पे, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को इसका। चलो गाइस, इतना तो हो गया, अपन को यहाँ पे दो बॉक्स मिले और दोनों बॉक्स को अपन खोल के देख लिया, एक में अपन को चाबी मिलती है और एक में अपन को फोटो मिलती है। तो अपन को एक बार मैं यहाँ पे मिरर में देखूँ तो मेरे पास सिगार है और यहाँ पर एक कैंची है, वैसे मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ, हाथ में पकड़ कर दिखा रहा है मेरे को, सही है। तो मेरे पास यहाँ पे कोट है, मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 गाइस, मेरे पास यहाँ पर 5 चीज़ें हैं, और अब इन 5 को इनका ठिकाने लगाना है, तब जाके मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो ठीक है गाइस, देखते हैं। एक मिनट गाइस, ये यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ? ओके, जैसे ही मैंने अपने कोट पे जैकेट पे मैंने टच कर रखा था, जैसे मैंने मिरर पे टच किया तो इसने कोट को पहन लिया, और भाई सिगार तो इसके हाथ में ही है, वापस तो रख ही नहीं रही है, और जैकेट तो भाई अच्छा गाइस, मतलब इसका मतलब ये कहना चाहता है कि मैं जब भी मिरर में आऊँगा और कुछ एक्टिविटी करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक हिंट मिलेगा, तो वो लेडी आती है, यानी कि मुझे, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझे कोट को जैकेट को अपने पास ही पहनना था मुझे। तो ठीक है, अभी अपन देखते हैं भाई साहब, लेकिन ये वुडन क्यूब और ये तोता मुझे क्या ये हिंट देगा? ये बोलने वाला तोता नहीं है बस, वरना अभी तक तो मैं अपना दोस्त बना चुका होता। ठीक है, अपने पास ये पेंसिल या पेंसिल कैंची वैची क्या ही दे रहे हैं, मैं डॉक्टर वगैरह थोड़ा ना हूँ। ठीक है, तो भाई ये फोटो मुझे काफ़ी अजीब लग रही है यार, तो मतलब इस गेम में सब कुछ चीज़ें अजीब ही अजीब है, ये फोटो भी इसका मतलब तोड़ तोड़ के ऐसी जगह छुपा के रखा हुआ है गाइस, क्या ये मतलब कोई क्लू अपन को मिलेगा ना फोटो जोड़ने के बाद, काफ़ी तगड़े वाला क्लू मिलने वाला है। और ये गाइस ये नीचे नहीं हो रहा, पता नहीं गाइस ये क्या ही चीज़ है यहाँ पे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, इसका भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आया भाई। वी विल हेल्प यू बैलेंस द सब्सटेंस ऑफ योर। ओ गाइस, यहाँ पर अपन को एक और चीज़ मिली यहाँ पे कुछ लहरती हुई, ये भी एक फ़ोटो पीस है। तो गाइस चलते हैं उस फोटो पीस को फोटो में लगाने के लिए और अपनी फोटो को कंप्लीट करते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर एक सेंटर का भी अपन को, अभी गाइस अपन को ध्यान देना है कि यहाँ पे एक सेंटर वाला पीस अपन को लेकर आना है, तो वो सेंटर वाला पीस कहाँ मिलेगा ये अपन को देखना है। तो भाई साहब ये 12 सिंगा क्या ये भाई साहब कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्या पता इसकी सिंग मैं तोड़ूँ मतलब हिलाऊँ तो कुछ दीवार वगैरह खुल जाए और मुझे कुछ मिल जाए फिर। और गाइस यहाँ पर एक और ये बॉक्स है जो कि काफ़ी बड़ी अलमीरा है यहाँ पे, और ये मुझे कुछ मिला यहाँ पर शायद, ये दोनों तो लॉक्ड हो रखे हैं, जिद्दी है काफ़ी, खुलने का नाम नहीं ले रहे भाई। यहाँ पर ये क्या कसिनो वसिनो खोल रखा है क्या इस बंदे ने घर के अंदर ही, मतलब यहाँ पे 5 रोमन में गिनती लिखी हुई है और यहाँ पर शायद मैच होंगे तब जाके मुझे कुछ मिलेगा। यार इस गेम के अंदर एक तो पजल बहुत दी हुई है कसम से भाई साहब, क्या ही गेम है ये। ठीक है, अभी देखते हैं इस पजल को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको तो खैर बाद में देखेंगे, पहले अपन को वो फोटो का पीस ढूंढना है यार, वो फोटो मुझे मिले तो मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन वो फोटो मुझे कैसे मिलेगी ये मैं सोच रहा हूँ यार। यहाँ पर तो ये बक्सा खुल ले रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये जो
खटके टाइप का है ना यहाँ पे, ये क्या ही है यहाँ पे। तो मैं शीशे के अंदर देखता हूँ, क्या पता मुझे फिर से कुछ हिंट वगैरह मिल जाएगा इस, लेकिन मुझे लगता है तो नहीं यहाँ पे कुछ मिलने वाला है। अच्छा पहले से इसका कलर, ये बंदा कलरफुल। एक मिनट गाइस, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा था, आई शुड चेक द लाइट्स, मुझे लाइट्स चेक करनी चाहिए। कौन सी लाइट्स? लेकिन फोटो के अंदर ही लाइट जल रही है। और लाइट, यार लाइट का बटन कहाँ पर होगा? लाइट जल तो रही है, इतना बढ़िया दिख रहा है मेरे को कमरे के अंदर। क्या पता ये कोई बटन हो तो लाइट जले, या फिर यहाँ पे मैं इसमें कुछ एक्टिविटी। अच्छा इस घड़ी के ऊपर शीशा भी नहीं है, मतलब अपने हिसाब से टाइम चेंज कर लो और मज़े करो। तो क्या पता मैं यहाँ से कुछ, अगर यहाँ पे कोई एक्टिविटी करता हूँ तो बर्ड बाहर आएगी बटन लेकर, फिर मैं उसे दबाऊँगा तो लाइट जल जाए। नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता यार, मैं भी ना कुछ भी सोचता रहता हूँ। तो इसके तो वापस 12 बजा देते हैं, और 12 तो अभी मेरे ही बज रहे हैं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। खैर देखते हैं गाइस, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये लाइन गलत नहीं है। क्या ही मैं देखूं यहाँ पर, एक तो भाई साहब यहाँ पर मैं 3 बार आ चुका हूँ और इसे पूरा पढ़ भी नहीं रहा मैं, और मुझे इसका समझ में भी नहीं आ रहा। हो सकता है शायद इसे टाइपराइटर में जाके टाइप करना हो तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट क्लू मिलेगा। भाई साहब यहाँ पे क्लू मिलने वाली चीज़ें बहुत है, लेकिन सॉल्व होने वाली अभी एक भी नहीं है। तो देखते हैं गाइस, इसका भी देखते हैं, लेकिन वो फोटो का पीस मुझे गाइस कहाँ मिलेगा, मुझे अभी ये देखना है। भाई साहब ये फोटो तो मुझे काफ़ी अजीब लगी, इसके अंदर भी कोड वर्ड छुपे हुए हैं, वो देख रहे हो ना, वो नंबर कुछ लिखे हुए हैं वहाँ पे। भाई साहब ये तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहे, और यहाँ पे रेड कलर का सोफ़ा, मैं क्या ही कहूँ सोफे के बारे में, बड़ा प्यारा दिख रहा है ये मेरे को। आप ही कुछ हिंट दे दो तोते भाई साहब। ओ ये क्या हो गया? A few moments later. तो अपन तो कुछ कुछ मिला नहीं यहाँ पे। एक मिनट गाइस। Wait a minute. Who are you? यार मतलब मैंने भी ना दिमाग नहीं लगाया, मतलब कमरे के अंदर घुसते गेट के पास बटन होता है लाइट का, ऐसे मैंने हर जगह देखा था। और देखो गाइस यहाँ पे कहाँ छुपा के रखा हुआ है फोटो का पीस, हद है भाई साहब हद है। मतलब कौन था ये बंदा जिसने इतना मिस्टीरियस वाला काम किया। ठीक है गाइस, अपन को यहाँ पे एक मिल चुका है फाइनली एक पीस, वो पीस तो बड़ा ही अजीब था यार। खैर अपन को यहाँ पे एक हिंट मिल चुका है, द वुमेन, ये मुझे टाइप करना है टाइप राइटर के अंदर। यार क्या ही क्लू है, तो यार पलट के तो मैं देख सकता था, बीच वाले की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी मेरे को। भाई जो द वुमेन लिखा हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है और टाइप राइटर के ऊपर लिखा हुआ है, तो अपन मैं यहाँ पे लिखता हूँ द वुमेन, और यहाँ पर भाई मिस्टेक हो गई। एक तो भाई साहब इसका ये बैक स्पेस बड़ा ही एडवांस लेवल का है, यूँ मानो जैसे कोई कंट्रोल के साथ फिट होकर आया हो पहले से ही। द वुमेन लिख दिया मैंने यहाँ पे, कुछ हुआ नहीं। एक मिनट गाइस मैं फिर से लिख के देखता हूँ, मिस्टेक हो गई यार फिर से, इस बार आराम से। ए हो द वुमेन, द वुमेन, ओके इस बार मैंने सही लिखा है, नहीं लिखा, एक बार जाके फोटो में चेक कर लेते हैं गाइस। भाई यहाँ पर ए मुझे यूज़ करना है, वहाँ पे मैं ई यूज़ कर रहा था बार बार, तो ए की जगह ई, मतलब ई की जगह ए को यूज़ करना है, तब जाके यहाँ पे कुछ मिलेगा अपन को। भाई यहाँ पर क्या लिखा है वैसे, आई वॉक अप इन दिस रूम, आई फेल्ट डिफरेंट लेस रियल, वेयर इज शी द वुमेन। ओके ये है पूरी लाइन, और यहाँ पे अपन को एक पर्चा मिलता है, सॉरी एक पेज मिलता है अपन को यहाँ पे। भाई कहाँ मैं पहुँच जाता हूँ पुराने ज़माने में। ठीक है तो यहाँ पे अपन को इसको फिल करना है, और ये शायद इस बंदे ने जैकेट वगैरह पहन रखी है तो शायद ये मेरा ही करेक्टर है, और इसे फिल करते हैं। तो मेरे पास पेंसिल थी ना, ये है मेरे पास पेंसिल, और भाई यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है तो इसे अपन फिल करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं ड्राइंग में काफ़ी अच्छा था अपने स्कूल टाइम में, मुझे A+ भी मिलता था, मतलब ज़्यादातर तो A+ ही मेरे को मिला, A A+, बाकी एक बार मुझे C+ मिला था। भाई पूरे में फिल करना है क्या? मैं फिल कर दूंगा, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं है गाइस, मैं पूरे पन्ने को भर दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं शायद ऐसा मुझे करना चाहिए, पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे डबल डबल भाई यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, एक अलग से चॉकलेटी कलर की लाइन बन चुकी है। भाई गेम वाले बोल रहे होंगे कौन सा बंदा आ गया फिल करने के लिए। चलो गाइस ये तो गलत हो गया अपन से, अपन इसे वापस से करते हैं, और भाई देखते हैं ये कैसे मिलेगा अपन को।
आगे का क्लू, आगे का क्लू कैसे मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे मुझे हिंट दे रहा है ये, आपको पता है मुझे जो कलर फिल करना है ना इस बॉडी के अंदर फिल करना है, तो यहाँ पे मैंने फिर से गलती कर दी, मुझे डबल डबल लाइन नहीं चलानी, एकदम प्लेन रखना है मुझे, ठीक है, जैसे इसने अभी बताया फिर से। तो मैं यहाँ पे फिल करने की कोशिश करता हूँ एकदम आराम आराम से, धीरे धीरे हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है, इसका थोड़ा बहुत तो गाइस बाहर निकलेगा ही, अभी जूम करने का ऑप्शन नहीं है, वरना मैं पूरा अच्छे से भर देता। ओके गाइस ये कंप्लीट हो चुका, अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन को एक और ड्राइंग भरने को मिलती है। तो भाई यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, आई हैव टू गेट आउट ऑफ हेयर, आई नो आई डिड इट बिफोर बट द डोर इज क्लोज। हाँ गाइस डोर तो क्लोज है, डोर तो क्लोज है, उसे खोलने के लिए शायद मुझे यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे फिल कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पे फिर से मिस्टेक कर दिया गाइस, मुझे यहाँ पे डबल डबल नहीं करना था, लेकिन एक बार अपन करके देख लेते क्या पता हो जाए, तो नहीं हुआ, तो सही यही उम्मीद थी पे, ठीक है एक और बार ट्राई करते हैं, इस बार डबल लेयर नहीं चलेगी, इसे एक बार पूरा फिल करते हैं। सब कुछ ब्राउन, ओके गाइस हो गया ये, लेकिन ये आगे तो होगा ही, एक मिनट, मतलब जो मैंने पहले जो मैंने ड्राइंग फिल करी थी वो मैंने वर्टिकल फॉर्म में फिल करी थी, तो हो सकता है मे बी इसे भी वर्टिकल फॉर्म में फिल करना हो अपन को। तो एक बार इसे आराम से एकदम इसे फिल करने की कोशिश करते हैं अपन, और देखते हैं इससे आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। ओके गाइस तो वर्टिकल फॉर्म में अपन को करना है, और यहाँ पर एक लेडी आती है, तो भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वाई डू आई कीप थिंकिंग ऑफ हर, आई नेवर मीट दिस वुमेन, इट वॉज जस्ट अनदर मर्डर केस, मर्डर केस है ये गाइज। तो गाइज यहाँ पर मुझे क्लू मिला है कि ये मर्डर केस है, मैं आपसे बोल रहा था ना स्टार्टिंग में कि ये मुझे फिर से मिस्टेक हो गई, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा था ना कि ये मर्डर केस है या फिर सुसाइड केस है, तो यहाँ पर ये कंफर्म कराता है अपन को कि ये मर्डर केस है। तो आगे बढ़ते हैं गाइज, ओ भाई साहब यार, मतलब इस लेडी को ना एकदम डीपली यहाँ पर दिखाया गया है, वट डू आई नो अबाउट हर, हाउ डिड शी डाई, क्या मैं जानता हूँ ये कैसे मरा। तो गाइज ये मतलब मर्डर केस है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ये जो देख रहे हो ना इसके नेक के पास, ठीक है, तो भाई ये यहाँ पर हुआ नहीं, ये मुझे वैसे स्टारबक्स लग रही है भाई यहाँ पे मुझे डर भी लग रहा है। तो ठीक है, तो ना इसे अपन फिल करने एक बार ना जो ये कट लगा हुआ है इसे पे यहाँ पर फिल करके देखते हैं, हो सकता है आगे बढ़ जाए। अच्छा मतलब पहले तो वर्टिकल फॉर्म, ओ भाई क्या भाई यार डरा दिया यार इसने एकदम, यार मैं एकदम अकेला यहाँ पे इसे गेम को खेल रहा हूँ भाई, कसम से डरा दिया यार। यहाँ पे केस 25 माइट बी द की टू एस्केप माय माइंड, अब इसका कौन सा माइंड है भाई साहब जिसके माइंड से निकलना है। तो यहाँ पर मैंने इसे फिल किया और यहाँ पर मुझे चाबी मिलती है, मतलब एक और चाबी यानी एक और ताला जिसे अपन को ढूंढना पड़ेगा, और तब जाके नेक्स्ट क्लू अपन को मिलेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं भाई साहब क्या ही होने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ आ गया, अब इसे बाद में देखते हैं। तो पहले ये देखेंगे ये चाबी लगी कहाँ पर आखिरकार, भाई गोल्डन की है डायरेक्ट यहाँ पर तो लगने वाली। फाइनली गाइस मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ, कंप्लीट तो नहीं कह सकते, ये पता नहीं ये आगे कहाँ तक जाएगा। भाई गेम खेलने में जो काफ़ी मज़ा आया, और कुछ सीन्स ऐसे भी थे जहाँ पर मुझे डर लगा, भाई काफ़ी दिमाग लगाने वाली पहेलियाँ इसके अंदर आते, ये बात तो माननी पड़ेगी, मज़ा आ गया लेकिन गेम खेलने में। गेम को खेलने में ना एकदम डिटेक्टिव वाली फीलिंग आ रही थी, तो इसका गाइस मैं सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे भी जानना है आगे क्या होता है, ठीक है, इसलिए फन ऑफ फ्लैशर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं फन ऑफ फ्लैशर फिर मिलूंगा एक अच्छी सी वीडियो में।